भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेरी आए हैं सर, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, तो इसलिए हम आपको आज डिजिटल सिग्नेचर के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर है क्या, बनाने का प्रोसेस क्या है और उसकी कॉस्टिंग क्या है, कितने कितने टाइप में हो सकते हैं, क्या क्या पर्पस के लिए कौन सा सिग्नेचर लगेगा, और ये सभी जो इन्फॉर्मेशन हम आपको आज प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली सबसे पहला, डिजिटल सिग्नेचर क्या है। डिजिटल सिग्नेचर आपको एक डिजिटली साइन करने के लिए एक आपको कोडिंग के थ्रू से एक नंबर्स मिलता है जो सिक्योरली, जो एकदम प्योर सिक्योर होता है, और डिजिटल कोड्स में आपके बेसिकली इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड नंबर्स, पैन कार्ड के नंबर्स, आपके कंपनी के डिटेल्स, आपका फोटो, आपका एड्रेस, ये सभी डिटेल्स उसमें इंक्लूड रहता है। जैसे कि आधार कार्ड आप जब बनाते हैं तो आधार कार्ड में आपको क्या क्या लिया जाता है, थंब लिया जाता है, आपके आंखें का रेटिना का वो डिटेल्स लेते हैं, आपका एड्रेस प्रूफ लिया जाता है। तो आधार कार्ड में आपको जैसे है वो बार कोड या आधार कार्ड के नंबर आपने कहीं पर भी प्रोवाइड किया तो वहां पर सभी डिटेल्स आ जाते हैं। सेम डिजिटल सिग्नेचर है, वो आपको एक कोड मिलता है, वो कोड के थ्रू से आपको ये सभी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल सिग्नेचर में रहता है। ये कोडिंग के थ्रू से सिग्नेचर करने का, एक डिजिटल सिग्नेचर करने का प्रोसेस है। ये जनरली हम जब यूज करते हैं अभी के डेट में, हमको ये डिजिटल सिग्नेचर एक हार्डवेयर के अंदर मिलता है जिसको हम टोकन बोलते हैं। अलग अलग कंपनी डिजिटल सिग्नेचर बनाती है, अलग अलग कंपनी टोकन बनती है। कोई भी डिजिटल सिग्नेचर कोई भी टोकन में आ सकता है। तो हम ये डिजिटल सिग्नेचर्स यदि एक डिफिनेशन के तौर पर बोले तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सिक्योर डिजिटल की इज इशूड बाई सर्टिफिकेट ऑथोरिटी, जिसको हम CA बोलते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ वैलिडेशन एंड सर्टिफाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन होल्डिंग दिस सर्टिफिकेट। मतलब वो सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको हम पहचानने के लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर अलग अलग यूज पर्पज के लिए यूज हो सकता है, जैसे कि आपका GST के लिए, PF, ESIC, Etenders वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज। तो हम सबसे पहले आते हैं टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। टाइप ऑफ में तीन टाइप के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, एक सिग्नेचर, एक इंक्रिप्शन और एक डॉक्यूमेंट साइनर। और भी एक होता है जिसको बोलते हैं DGFT। बेसिकली हमको जो मेन जो पर्पस होता है, ये तीन पर्पस के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जो यूज होता है वो सिर्फ ओनली फॉर एक डिजिटली, कोई भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली सिग्नेचर करने का एक सिक्योर मीडियम है। इंक्रिप्शन, डेटा को और ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम इंक्रिप्शन का सर्टिफिकेट लेते हैं। जैसे कि इंक्रिप्शन हम कब यूज करते हैं, अभी हम एक साइट पे टेंडर भर रहे हैं, अभी वो साइट्स के डेटा और हमारा डेटा के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए, मतलब कोई भी हैकर्स आके वो डेटा को कोई भी चेंजेस ना कर पाए या हैक ना कर पाए, इसलिए हम इंक्रिप्शन यूज करते हैं। ये डेटा जो इंक्रिप्टेड मोड में जाती है, ये डेटा जो आप डेटा को फिल किया है वो डेटा दो ही लोगों के बीच में सिक्योर होता है, वो दो ही लोग इसको इनकोड कर सकते हैं, एक तो आप, अदरवाइज जहां पे आप पोर्टल में टेंडर भर रहे हैं उनके इंक्रिप्शन के सर्टिफिकेट से, या फिर आपके इंक्रिप्शन के सर्टिफिकेट से ही ये इनकोड हो सकता है। अदरवाइज ये जो आपका डेटा है वो किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा ये डेटा है क्या, इसलिए हम इंक्रिप्शन, मतलब डेटा को ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट साइनर। ये बेसिकली हम यूज करते हैं ओनली, ये जो यूज होता है ओनली ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए यूज होता है। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन है जहां पे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू से आपको डिजिटली सिग्नेचर किया जाता है। ये जनरली हमारे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो लोग यूज करते हैं। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू से आपको डिजिटल सिग्नेचर दिया जाता है। यहाँ पर भी सेम आपको डिजिटल सिग्नेचर ही मिलता है, पर अलग अलग लोग ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूज करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल अप्रूवल अथॉरिटी होता है। जैसे कि एक बिल है आपका, PWD में आपने बिल डाला है, उसको पहले JEE साइन करेगा, फिर SE साइन करेगा, फिर वो अकाउंटेंट के पास जाएगा। तो ये डिजिटली तीन तरीके से, एक के अप्रूवल के अथॉरिटी के बाद दूसरे अप्रूवल अथॉरिटी, फिर तीसरे अप्रूवल अथॉरिटी, ये डिजिटली साइन होके जाएगा। इसलिए हम तभी इस पर्पज के लिए हम डॉक्यूमेंट साइनर का यूज करते हैं।
और डीजीएफटी की हम बात कर रहे थे, डीजीएफटी बेसिकली जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी होती है उनको जब भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है तो उनको एक सिग्नेचर लगता है जो लगता है डीजीएफटी। टाइप ऑफ क्लास, ये तीन क्लास में अवेलेबल है, वो क्लास वन, क्लास टू एंड क्लास थ्री। क्लास वन जनरली हमारे पास यूज में नहीं है, फिर भी यदि यूज जो था उसको हम सिर्फ और सिर्फ ईमेल पर्पस के लिए यूज करते थे, कहीं पर मुझे मेल भेजना है डिजिटली साइन करके तो हम उसके लिए यूज करते। क्लास टू ये जनरली सबसे ज्यादा यूज होता है, ये आईटीआर, डीन, जीएसटी, पीएफ, पीएसआईसी, पीटी, इनकॉर्पोरेशन और टेंडर भरने के लिए भी यूज करते, ये सभी पर्पस के लिए क्लास टू की डिजिटल सिग्नेचर यूज करते। क्लास थ्री बेसिकली यूज्ड ओनली फॉर टेंडर एंड ट्रेडमार्क पर, ये यदि टेंडर और ट्रेडमार्क के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये क्लास टू का जो भी बाकी के जो क्लास थ्री का यूज है वो सब क्लास टू के जो भी यूज है और क्लास वन की जो भी यूज है ये सब क्लास थ्री भी करता है, ये छोड़ के ये इनका एक रोल अलग से होता है ई टेंडर। अभी ये टेंडर दोनों पर्पज पे कॉमन है, क्लास टू में भी है और क्लास थ्री में, तो आप यहाँ पे एक हमारे लिए कंफ्यूजन का है जो क्लास टू में कब यूज होगा और क्लास थ्री में टेंडर पर्पज करने के लिए कब यूज होगा। तो हमारे हर एक टेंडर के पोर्टल में लिखा रहता है ये यहाँ पे कौन से क्लास का डिजिटल सिग्नेचर चलेगा। यदि आप महाराष्ट्र से है तो बेसिकली यदि आप महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टेंडर भरना चाहते हैं तो आपको हर जगह पे आपको क्लास टू का डिजिटल सिग्नेचर यूज हो जाएगा, क्लास थ्री की यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिवस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, एमएससीबी का यदि आप टेंडर भर रहे हो तो ही आपको क्लास थ्री की जरूरत होगी, नहीं तो क्लास टू आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं। और यदि आप बड़े लेवल का टेंडर भर रहे हो, ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो क्लास थ्री यूज, अदरवाइज आपका क्लास टू पे आपका यूज हो जाएगा। और आप यदि नेशनल मतलब यदि आप सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी टेंडर जैसे रेलवे है ये सब के टेंडर्स आप भरना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के टेंडर भरना चाहते हैं तो आप क्लास थ्री यूज कीजिए, अदरवाइज आपका स्टेट लेवल के लिए क्लास टू आपको हो जाता है, पर कहीं कहीं स्टेट लेवल पे भी क्लास टू की यूजेस नहीं होता है, ये डिपेंड करता है उस पोर्टल पे जहां पे आप पोर्टल पे टेंडर भर रहे हैं। यदि इसकी वैलिडिटी की बात करेंगे तो ये तीन साल के अलग अलग वैलिडिटी में अवेलेबल है, थ्री टाइप में, वन इयर्स, टू इयर्स एंड थ्री इयर्स। यूज टाइप ये कैसा होता है, इंडिविजुअल के तौर पे बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बैंक ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल जो डिजिटल सिग्नेचर इंडिविजुअल बनता है इसमें सिर्फ कंटेंट में क्या क्या ये मिलके आपको जो कोड प्रोवाइड करता है ये कोड क्या क्या रहता है, इसमें कंटेंट का नाम जो आप बना रहे हैं उनका नाम, फोटो, पैन कार्ड नंबर, एड्रेस और मे बी आधार कार्ड नंबर, ये सिम मिलके आपको एक कोड प्रोवाइड होता है जिसमें इंडिविजुअल बनते हैं। इंडिविजुअल अभी ज्यादातर जो इंडिविजुअल हो गया पेपरलेस तरीके से बनना चालू हो गया है, या तो आपको पेन बेस्ड बना सकते हैं या आधार बेस्ड के थ्रू से बना सकते। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बनाता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे किस तरीके से बनता है, इस यहाँ पे जो कंटेंट उठाता है यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पेन नंबर, एड्रेस, नेम, फोटो, ये सब तो पिक करता ही है, साथ में आपका ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड, ये सब भी कंटेंट इसके अंदर रहते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन नेम विथ इंडिविजुअल नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसके साथ इंडिविजुअल का नाम, फोटो, पैन कार्ड, एड्रेस, ये सब मिलके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और बैंक ऑर्गेनाइजेशन में जो कोड आपको प्रोवाइड होता है बैंकिंग के ऑर्गेनाइजेशन, बैंक ऑर्गेनाइजेशन का नाम, बैंक ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स, उसका इंडिविजुअल नेम, फोटो, पैन कार्ड, एड्रेस, ये सब मिलके बैंक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ये भी आपका डिपेंड करता है इंडिविजुअल आप कहाँ यूज करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का आप कहाँ यूज करना चाहते हैं। जनरली यदि आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आपको इंडिविजुअल आपको लिए हो जाता है, इंडिविजुअल छोड़कर आपको दूसरा डीएससी निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यदि आप रेलवे के टेंडर ना भर रहे हो, यदि रेलवे के टेंडर भर रहे हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन का ही डीएससी निकालो, इंडिविजुअल का डीएससी वहां पे नहीं चलता, बाकी हर जगह पे इंडिविजुअल का डीएससी चल जाता है प्रोप्राइटर्स के लिए। यदि आपकी कंपनी एलएलपी है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, एनजीओ है, ट्रस्ट है या अदर्स कोई भी है, या बैंकिंग सेक्टर में हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
कहीं पर भी, तो हमारा हमेशा रिकमेंड होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का ही डीएससी निकालो, जिससे आपको ऑर्गेनाइजेशन के सभी बेनिफिट्स आपको मिलना चालू हो जाए। कॉस्टिंग में किसी में डिफरेंस नहीं, आप इंडिविजुअल बनाओ या ऑर्गेनाइज, सबके लिए सेम कॉस्ट आता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बदल जाते हैं, जहां पे जितने ज्यादा लिखे हुए उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स आपको ज्यादा लगे। यदि हम डीएससी प्रोवाइड कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पे ई मुद्रा, डीएससी सिर्फ सिग्नेचर इंक्रिप्शन जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कौन करती है, तो ई मुद्रा है, कैप्रिकॉन है, ई साइन है, सीफी है, एनकोड है, और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करती है, मतलब सिग्नेचर इन द सेंस वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। पर आप वो सर्टिफिकेट को कहाँ पे रखेंगे, ये एक आपका डेटा है, ये डेटा को रखने के लिए आपको एक हार्डवेयर जरूरत पड़ेगा, जैसे आपको आपका पैन कार्ड का सॉफ्ट कॉपी है, आप उसको कहीं नहीं रख सकते, उसको कहीं पर रखने के लिए आपको एक हार्डवेयर लगेगा, या फिर हम लोग अभी क्लाउड यूज करते हैं। सेम तरीके से डिजिटल सर्टिफिकेट को यूज करने के लिए भी अपने को एक हार्डवेयर लगता है, जिसको हम बोलते हैं टोकन, या ये पेन ड्राइव जैसा होता है जहाँ पे आपको टोकन, या अलग अलग कंपनी बनाती है, जैसे ई पास है, डब्ल्यू डी वॉच डाटा प्रॉक्सी की, जिसको डब्ल्यू डी प्रॉक्सी बोलते हैं, ट्रस्टेड की, ई टोकन, पीके, अलादीन एंड मोर, बहुत सारी और कंपनी है जो आपको टोकन प्रोवाइड करती है। तो कोई भी सर्टिफिकेट कोई भी टोकन में आ सकता है, कोई भी टोकन, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी टोकन कोई भी सर्टिफिकेट को रख सकता है, इसके लिए कोई बाइंडिंग नहीं है। जनरली ई मुद्रा ई पास यूज करती है, कैप्रिकॉन डब्ल्यू डी प्रॉक्सी यूज करती है, ऐसा सबके साथ बाइंडिंग है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप सीपी का खुद का भी एक की है जो सीपी यूज करती है। यदि हम रेट्स की बात करेंगे तो क्लास टू प्राइस, जैसे मैंने बोला 1 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, हम जनरली यहाँ पे 2 ईयर्स का आपको रेट दिया हुआ, जो 2 ईयर्स के लिए क्या क्या रेट पड़ता है, तो 2 ईयर्स के लिए क्लास टू सिग्नेचर, ओनली सिग्नेचर का जो रेट है वो 900 है, और यदि क्लास थ्री का साइन और इंक्रिप्शन का रेट बात करेंगे तो अभी 3200 है, 4500 रुपया रेट है यहाँ पे हमारा, अभी ये हमारा भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन का रेट 3200 रुपये। यह हम ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करते हैं और ये फ्री होम डिलीवरी।